बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एटलास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे और अपना प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट कर चुके होंगे। एटलास, आज आप लोगों ने लेक्चर नंबर 21 में 8 अगस्त की डायरी जो है उसको पढ़ना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.7 क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। आप लोगों ने इनको अपने नीट रजिस्टर के ऊपर भी करना है सॉल्व। इसके अलावा आप लोग रफ के ऊपर भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। हम लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बच्चों 6.1 में पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे था फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्यूब, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.7 में एक नई टर्म को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू किया हुआ है, और वो क्या थी, वो हमारे पास क्यूब के बारे में थी। आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.7 में जो पहले इसके क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्यूब के फार्मूलाज की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है 13 आप लोगों के पास है, और आप लोगों ने क्या करना है कि इसका यहाँ पे क्यूब जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, यानी कि 13 raised to power 3, यानी कि 13 का क्यूब हमने फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13 raised to power 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आगे आप लोगों ने फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करना था, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 13 को दो वैल्यूज़ में चेंज करेंगे। लाइक आप लोग उसको जमा में भी लिख सकते हैं, आप लोग उसको माइनस में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इसे 10+3, हम लोग इसे 20-7 भी लिख सकते हैं, 15-2 भी लिख सकते हैं, 11+2 भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ भी उसके पेयर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 और 3 के इसके पेयर्स लिए हैं, और दोनों को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। 10+3 whole cube इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। फार्मूले का मैंने नीचे रेफरेंस भी बच्चों लिखा हुआ है, रेफरेंस सब बच्चों ने लाजमी तौर पर यहाँ पर साथ लिखना है। 10 raised to power 3 यानी कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में। उसके बाद दोबारा हमने 10+3 को भी लिख दिया उसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड वैल्यू यानी कि 3 का क्यूब आ जाएगा। सेकेंड लाइन पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस देना है, क्योंकि हमारे पास ऊपर रेफरेंस देने के लिए स्पेस नहीं थी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 10 का क्यूब किसके इक्वल होता है, वो 1000 के इक्वल होगा। आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 10 से करेंगे तो 90। आगे 10+3 किसके इक्वल हो जाएगा, वो 13 के, प्लस 3 का क्यूब किसके इक्वल, 27 के। अब आप लोगों ने यहाँ पे 1000 और 27 तो एज इट इज़ रहने दिया, और 90 को आपने 13 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1170। अब आपके पास ये तीन वैल्यूज़ हैं, और ये तीनों एक दूसरे में जमा हो सकती हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी रखती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपके पास का आंसर आ जाएगा 2197। ये आप लोगों के पास आएगा 13 के क्यूब का आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट लिखा है, उसमें लिखा है 103, यानी कि 103 है हमारे पास। हमने यहाँ पर भी फार्मूला ही यूज़ करना है। अगेन मैंने यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करने के लिए सेलेक्ट किए हैं अपने दो वैल्यूज़, वो मैंने किए हैं, एक 100 और एक 3। 100+3 whole cube जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक ही यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस 3 अपीयर्स एज फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में। इसके साथ हमारे पास जो चौथी चीज़ आएगी जो मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है हमारे पास, वो ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि 100+3 ब्रैकेट के अंदर लिखा प्लस 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस देना है। रेफरेंस देने के बाद हम आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे 100 का क्यूब ओपन किया, उसके बाद हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, और 3 का हमने क्यूब यहाँ पे ओपन किया। अब आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 900 को 103 के साथ आपके पास आंसर आएगा 92700। अब आप लोगों ने यहाँ पे इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आप लोगों के पास 103 होल क्यूब का आंसर होगा। इसी तरह से आप लोगों के पास 0.99 इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। हमने 0.99 का होल क्यूब जो था वो फाइंड आउट करना था। तो 0.99 जो है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हम लोग क्या जमा करने से या क्या माइनस करने से हमारे पास वो जो आंसर है वो 0.99 आएगा। यहाँ पे हमारे पास है 1 में से अगर हम 0.01 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.99। तो हमारे पास यहाँ पे दो हमें डिजिट्स चाहिए थे, और जिनको हम सब्ट्रैक्ट करते या हम क्या करते ऐड करते, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ किया है 1 को और 0.01 को।
आपके पास 1 का क्यूब, बाद में हमारे पास माइनस का साइन यहाँ पे आएगा क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है, फिर 3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, अगेन वही वैल्यू 1 माइनस 0.01, और उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन और सेकंड वैल्यू 0.01 का क्यूब लिखेंगे। इसके बाद आपने क्यूब वाले फार्मूले का यहाँ पर रेफरेंस देना है। वो रेफरेंस देने के बाद हमारे पास हम लोग ओपन करेंगे, जिस जिसका क्यूब ओपन करना है उसको ओपन करेंगे और बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का क्यूब तो ऑलरेडी 1 की इक्वल ही होगा, और 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 0.01 को तो वो 0.99 आएगा माइनस, और अब आगे आप लोगों के पास क्या आएगा, 0.01 का क्यूब, तो आपके पास यहाँ पे 0. आगे आप लोगों के पास 5 जीरोज और फिर 1 आ जाएगा। अब 0.03 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.99 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0297। अब आपने क्या करना है कि 1 में से इन सारी वैल्यूज़ को कर देना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.970299। और यहाँ पर ही आप लोगों का आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 6.7 भी आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। क्यूबिक का आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा था इस एक्सरसाइज में। उम्मीद है कि सब बच्चों को इस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।